9 अगस्त को हमारे लीडर अखिलेश यादव जी का मालेगांव में एक अजीज कल्लू स्टेडियम में जलसा है, उस ताल्लुक से आने जाने का रास्ता और यहाँ पर क्या इंतज़ाम किए जाए, उस सिलसिले में आज कमिश्नर साहब की विज़िट और उनके साथ डिपार्टमेंट के उनके लोग थे, उन्होंने सब रास्ता देखा और ग्राउंड की जो पोजीशन है वो समझी। उसके बाद ये यकीन दिलाया है कि इस 15 दिनों में, यानी जो तकरीबन 15 दिन का अभी वक्फा है, इस दौरान जो जो कॉरपोरेशन के काम हैं, जो जो सहूलत दी जा सकती है, वो सब काम वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए करेंगे। और इसी सिलसिले में जो आसपास की बस्ती है, जहां हम खड़े हैं अजीज कल्लू स्टेडियम और इसके आसपास की जितनी बस्तियां हैं, यहां सही बात यह है कि बुनियादी सहूलियात से आज भी ये पूरा हिस्सा महरूम है। इसलिए हमने एक प्रोग्राम जो अखिलेश यादव जी का है, ये एक सियासी प्रोग्राम है, मगर हमारी कोशिश ये थी कि इसी के बहाने कुछ सहूलत अवामी तौर पर लोगों को मिल जाए। नई बस्ती में पाइपलाइन का सवाल था, हम वहाँ भी उनको लेकर गए कि लोगों को पानी की बहुत तकलीफ़ थी, वो तकलीफ़ कैसे दूर हो, साफ़ सफाई का सवाल था और आसपास की जो रोड है अगर वो नई नहीं तो कम से कम दुरुस्त हो जाए, इसी बहाने कि लोगों को बाद में भी उसकी सहूलत मिले और उसका फ़ायदा मिले, इस मकसद से आज कमिश्नर साहब यहाँ आए थे। उन्होंने सब देखा, अब वो जो है डिपार्टमेंट की उनकी मीटिंग लेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी यहाँ थे, वो भी सिक्योरिटी के हिसाब से सब मुआयना कर रहे थे। आने वाले वक्त में कॉरपोरेशन और पुलिस डिपार्टमेंट की मुश्तरका मीटिंग लेंगे कि किस तरह से ये प्रोग्राम में उनकी जो जिम्मेदारी है वो किस तरह से निभाएं, इस ताल्लुक से वो हमसे मुसलसल रबते में है। सच बात यह है कि अखिलेश यादव जी का जो आने का 9 अगस्त का प्रोग्राम है, ये एक सियासी पार्टी के बैनर तले ज़रूर है, मगर शहर में जो हवा और मिजाज बना हुआ है, अभी हमारा प्रचार जो शुरू होता है वो नहीं हुआ, मगर जो मिजाज लोगों का बना हुआ है वो ऐसा है कि बीजेपी को रोकने के लिए इस मुल्क में अगर सबसे अहम किरदार किसी का रहा तो वो अखिलेश यादव जी का रहा, क्योंकि एक लीडर मालेगांव शहर में बड़े और आए, मगर उसके बाद भी डिपार्टमेंट को भी ये लगता है कि अखिलेश यादव के प्रोग्राम में तादाद लोगों की बहुत ज़्यादा रहने वाली है, इसलिए उनका फ़िक्रमंद होना भी वाजबी है। और मैं जो महसूस कर रहा हूँ, लोग एक सुरक्षा योद्धा के, संविधान सुरक्षा योद्धा अगर मैं अखिलेश यादव को कहूँ, तो उनकी मकबूलियत और उन्होंने जो रद्द बीजेपी का रोका है, तो लोग मालेगांव शहर के लोग भी चाहते हैं कि उनका साया निशान इस्तकबाल करा जाए, इसलिए लोगों में भी बहुत बेदारी है। और हमको लगता है कि मालेगांव शहर हमेशा से फिरका परस्ती के ख़िलाफ़ डट कर लड़ा है और अखिलेश यादव जी का इस्तकबाल ये कहीं ना कहीं मुल्क में एक मैसेज देगा कि मालेगांव शहर आज भी फिरका परस्ती के ख़िलाफ़ लड़ने वालों के साथ खड़ा रहता है।